पेयजर शहर के गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल में एक गर्भवती महिला की अपने जुड़वा बच्चे को जन्म देने के बाद मृत्यु हो जाने से अस्पताल के खिलाफ महिला के परिवार वाले और करीबियों ने आज भी जमकर विरोध प्रदर्शन किया। गुस्साए लोगों ने पहले घंटाघर के पास धरना दिया, इसके बाद स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के सामने तोड़फोड़ की। भीड़ में स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के सामने बने एक एटीएम का जो कांच है वो तोड़ दिया और कई गाड़ियों के शीशे भी तोड़े। पुलिस विभाग के कड़े इंतजाम के कारण जल्द ही मामले को संभाल लिया गया। जानकारी के मुताबिक ग्यारहतोरना की रहने वाली हनुदेवी नामक 23 वर्ष की गर्भवती महिला को इस महीने की 25 तारीख को उसके परिवार वाले ने अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन कुछ जटिलताओं के कारण डिलीवरी डॉक्टरों ने ऑपरेशन के बाद की। परिवार वालों का कहना था कि ऑपरेशन कर डॉक्टरों ने बच्चे को सही से डिलीवरी तो कर दी और इसके बाद डॉक्टरों से महिला के बारे में पूछने पर उन्होंने सब ठीक ठाक बताया। हालांकि महिला की हालत ठीक नहीं थी और उसके शरीर से काफी खून बह रहा था। परिवार वालों का कहना था कि काफी खून बहने की वजह से डॉक्टरों ने महिला का कल 25 तारीख को दोपहर 2 बजे से शाम के 11 बजे तक कुल 3 ऑपरेशन किए, पर उसके बावजूद खून नहीं रुका, क्योंकि परिवार वालों ने कथित तौर पर आरोप लगाया है कि डॉक्टरों ने सही से ऑपरेशन नहीं किया और कुछ ऐसी गलती कर दी कि खून और भी ज्यादा बहने लगा, जिससे महिला की मौत हो गई। परिवार वालों ने सीधे सीधे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के खिलाफ मरीजों पर प्रयोग करने का आरोप लगाते हुए तुरंत मेडिकल कॉलेज को बंद करवाने की मांग की। आज प्रदर्शन और तोड़फोड़ के बाद संभावित डॉक्टर को ड्यूटी से हटा दिया गया और प्रशासन द्वारा एक न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं। इसके बाद लोगों ने प्रदर्शन बंद कर महिला के शव को स्वीकार कर लिया। हम लोग एलजी बनना चाह रहे हैं इंसाफ के लिए कि ऑपरेशन क्यों किए, करने का क्या कारण था। माँ बाप को बताना चाहिए था कि आपका बच्चा में ये प्रॉब्लम है, हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, वो भी नहीं बताए। और दूसरा बात है, 3-3 ऑपरेशन करने के बाद भी सक्सेस नहीं हुआ, वो भी हम लोग को जानकारी चाहिए कि 3 ऑपरेशन आप लोग क्यों किए, किस वजह से किए। हमारा सबसे मेन मुद्दा यह है, कोई पेशेंट अगर मेडिकल में एंट्री होता है, मेडिकल में एंट्री होने के 15-20 मिनट बाद में कोई ऑपरेशन क्यों किया? ऑपरेशन 15 मिनट बाद में इतनी क्या इमरजेंसी थी? हमारा पेशेंट इमरजेंसी में नहीं आया था, ओपन डाउन का हाथ होने का आया था, ओपन डाउन का हाथ होने का आया था, ऑपरेशन करने के लिए जा रहे हैं। हमारे साथ एक ही प्रॉब्लम हुआ है, हमारा पेशेंट गया और ऑपरेशन करके फाड़ दिया उसको, फौरन ऑपरेशन नहीं होना था, हमारा पेशेंट इमरजेंसी नहीं था, इमरजेंसी के लिए एक दिन का टाइम, इमरजेंसी होने से उसका इमरजेंसी था ही नहीं उसका। अभी हम इंसाफ के लिए जा रहे हैं, हमें इंसाफ के लिए प्रजा कहाँ जाएंगे, राजा के पास जाएंगे ना, तो हमें एलजी बंगले इसीलिए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा 12 तारीख को उसका ऑपरेशन का डेट था, तो हम लोग सिर्फ चेकिंग के लिए गए थे। 12 तारीख को इतना इमरजेंसी क्या पड़ गया, तो उन लोगों को बिना वजह ऑपरेशन किए, उन्होंने नॉर्मल बच्चा ऐसी चेकिंग के लिए बच्चा नहीं दी इसको चेक करने के लिए, उन्होंने सेकंड ऑप्शन कैसे ले लिया कि आपको बच्चा चेकिंग करने नहीं दे रही है, तो हम लोग उसका ऑपरेशन करेंगे। और अभी डिमांड ये है कि जो मिसबिहेव जो किया जा रहा है पेशेंट के साथ अंदर में और फैमिली के साथ किया जा रहा है, वो हमारे एजेंसी किसी के लोग के साथ भी आइंदा ना हो, इसके लिए जो है हम अपना जो है अपना विचार जो है एजी साहब के पास रखने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी जो है मालूम करें कि डीसी साहब है नहीं, तो कोई हायर अथॉरिटी नहीं है, तो हमारा तो सबसे एक बड़ा भरोसा है जो है यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, तो हम उनके पास जाकर जो है ये अपना इनकी मदर बताएंगे और पेरेंट्स बताएंगे कि जो कल हुआ है इसके ऊपर जो है हम लोगों को कुछ आश्वासन दे कि दोबारा मेरे साथ तो हो गया कि आइलैंड के और किसी भी बच्चे